धम्मपद अट्ठकथा आज आपण मठ्ठकुंडलीची कथा बघणार आहोत। मठ्ठकुंडली कोण था भगवान बुद्ध काल में, मठ्ठकुंडली की कथा क्या है, उसकी पार्श्वभूमि, उसकी धम्मपद में अट्ठकथा क्या क्या आती है, कैसे आती है, इसका हम थोड़ा सा आपसे परिचय करवाते। मठ्ठकुंडली का जीवन, उसकी परिचर्या, बुद्ध में बुद्ध का संपर्क और फिर उसे क्या लाभ हुआ, इसे हम देखेंगे। मठ्ठकुंडली कथा धम्मपद की यमकवग की दूसरी गाथा की यह कथा है। आवाज येत असेल सगळ्यांना? मनोबब्बा गम्मा धम्मा यह द्वितीय गाथा भी स्त्रावस्थी में ही मठ्ठकुंडली को अभिलक्षित करके कही है। कभी स्त्रावस्थी में अदिन्नपुब्बक अदत्तपूर्वक नामक कोई ब्राह्मण रहता था। उसने पहले कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया था। अंतर्लोक उसका नाम अदिन्नपुब्बक ही जानते थे। उसको एक पुत्र था सुंदर एवं प्रियभाषी। उसके लिए कोई स्वर्णाभूषण बनाने की बात चली तो उसके पिता ने सोचा, यदि इस स्वर्णाभूषण को बनाने के लिए किसी सुनार को बुलाऊंगा तो उसे भोजन एवं परिश्रमिक देना पड़ेगा। यह सोचकर उसने सुवर्ण को पीटकर चिकने कुंडल बना दिए। तब से उसके पुत्र का नाम भी मठ्ठकुंडली पड़ गया। वह जब 16 वर्ष का हुआ उसे पांडुरोग हो गया। तब उसकी माता ने पुत्र को देखकर उसके पिता से कहा, ब्राह्मण तुम्हारा पुत्र रोगी हो गया है, इसकी चिकित्सा कराओ। देवी यदि इसके लिए वैद्य को बुलाऊंगा तो उसको भोजन तथा परिश्रमिक देना पड़ेगा। क्या तुम मेरे इस धन्नाश को नहीं समझ पा रही है? तो ब्राह्मण इसकी चिकित्सा कैसे कराओगे? जिस तरह मेरा धन व्यय हो उसी तरह कराऊंगा। फिर वह वैद्य के पास जाकर पूछता था, आप लोग इस रोग की किस औषधि से चिकित्सा करते हैं? ऐसा पूछने पर वे वैद्य उसको जिस किसी वृक्ष की त्वचा आदि बदलाते थे वह उसी को लेकर औषध के नाम पर पुत्र को दे देता था। ऐसा करने से उसका रोग और बढ़ गया। अंत में वह रोग असाध्य, चिकित्सा न करने योग्य हो गया। अंत में ब्राह्मण उसकी अतिशय दुर्बलता देखकर एक वैद्य को ले आया। वैद्य उस लड़के की शारीरिक दुर्बलता को देखते ही ये कहता हुआ उसे छोड़कर चला गया कि मुझे एक आवश्यक कार्य स्मरण हो आया है, अंत आप किसी अन्य चिकित्सक को बुलाकर इसकी चिकित्सा करा लीजिए। ब्राह्मण वैद्य के हाव भाव से जान गया कि पुत्र का मरण काल निकट आ गया है। उसने सोचा, इसको देखने के लिए आने वाले संबंधी जन घर में प्रविष्ट होंगे तो उनकी दृष्टि में हमारी संपत्ति न आ जाए, अंत इसे घर से बाहर लिटा दूँ। यह सोचकर उसने पुत्र को घर के बाहर बरामदे में लिटा दिया। अच्छी स्टोरी है, सभी ने आपको यह स्टोरी सुनना चाहिए। इतनी आवश्यक स्टोरी आपको जीवन में, या ऐसी स्टोरी कभी सुनने का अवसर मिले न मिले, लेकिन यह धम्मपद की अट्ठकथा है, आपको सुनना अत्यावश्यक है। ब्रिंग दम कैमरा ऑन। सभी ने वॉच करना है, आवाज सुनाई दे रहा है मुझे बताइए कमेंट करके। यहाँ पे वाचिंग संदीप साबड़े जी है, अनिल झोटे जी है, संतोष मंत्री है, गणेश बोर्डे भी है, अच्छी बात है। सभी मिलकर के देखिए। ब्राह्मण वैद्य के हाव भाव से जान गया कि पुत्र का मरण काल निकट आ गया है। उसने सोचा, इसको देखने के लिए आने वाले संबंधी जन घर में प्रविष्ट होंगे तो उनकी दृष्टि में हमारी संपत्ति न आ जाए, अंत इसे घर से बाहर लिटा दूँ।
यह सोचकर उसने पुत्र को घर के बाहर बरामदे में लिटा दिया। उस दिन भगवान ने बहुत प्रातकाल ही महाकरुणा से संपन्न होकर पूर्व बुद्धों जैसा उत्साह पैदा कर अपने कुशल धर्मों में वृद्धिकारक बुद्ध शिष्य समुदाय को देखने के लिए बुद्ध चक्षु से संसार पर दृष्टि डालते हुए दश सहस्त्र लोकधातु ब्रह्मांडों पर अपना ज्ञान जाल प्रसारित किया। उसमें उन्हें यह मठ कुंडली बरामदे में लिटा हुआ सा दिखाई दिया। शास्ता ने उसको देखकर उसके विषय में यह जानकर कि इसे घर से निकालकर बाहर बरामदे में लिटा दिया, इसके आगे क्या गति होगी यह खोजते हुए देखा। यह मानवक स्वचित्त को मुझ में श्रद्धालु बनकर देहावसान होने पर तावतीस देवलोक के 30 योजन लंबे चौड़े कनक विमान में उत्पन्न होगा। वह हजारों अप्सराएं इसकी मनोविनोद हेतु इसको घेरे रहेंगी। ब्राह्मण इसका पिता भी इसका दाह कर्म कर रोता हुआ स्मशान में ही घूमता रहेगा। उधर वह देवपुत्र 3 गोविति 6 कोस प्रमाण वाले गाड़ियों से ढोए जा सकने योग्य अलंकारों से प्रतिमंडित हो सज धज कर हजारों अप्सराओं से घिरा हुआ अपने रूप आकार को देखकर यह विचार करके करेगा कि किस पुण्य कर्म के प्रभाव से मुझे यह शरीरश्री संपत्ति प्राप्त हुई। तब यह विचारते हुए यह निष्कर्ष निकलेगा कि मरण काल के समय बुद्ध में श्रद्धा चित्त होने के कारण यह सुंदर शरीर मुझे मिला है। फिर यह इस ब्राह्मण मेरे पिता ने धननाश के भय से मेरी चिकित्सा तो कराई नहीं, अब वह स्मशान में बैठकर मेरे लिए रो रहा है, तो चलो इसे इस कर्म से मुक्त करो। ऐसा सोचकर रोते हुए पिता के सामने मठ कुंडली के रूप में आकर स्मशान के पास ही भूमि पर गिरकर रोने लगेगा। तब ब्राह्मण इसे पूछेगा, तू कौन है? ये उत्तर देगा, मैं तेरा पुत्र मठ कुंडली हूँ। कहाँ पैदा हुए हो? तावतीस लोक में। क्या पुण्य कर्म करके? यह पूछे जाने पर बताएगा कि बुद्ध के प्रति स्वचित्त में श्रद्धा उत्पन्न कर मैं इस लोक में पहुँचाओ। तब ब्राह्मण मेरे पास आकर मुझसे पूछेगा कि आप में श्रद्धा चित्त उत्पन्न करके भी स्वर्ग में पहुँचा जा सकता है। तब मैं इसको यह उत्तर देते हुए कि ऐसे लोगों को 100, 1000 या 1,00,000 में गन्ना करके उन्हें नहीं बताया जा सकता। तब मैं इस ब्राह्मण को धम्म पद में वर्णित गाथा के आधार पर धर्मोपदेश करूँगा। इस धर्मोपदेश की समाप्ति के तत्काल बाद 84,000 प्राणियों को धर्मलाभ होगा। उसके प्रभाव से मठ कुंडली एवं उसके पिता भी श्रोतापन्न हो जाएंगे। यो भगवान ने इस कुलपुत्र मठ कुंडली के कारण आज महान धम्माभिसमय सत्य के ज्ञान का अवसर आएगा यह देखा। दूसरे दिन भगवान शरीर की नित्य क्रिया पूर्ण कर महान भिक्षु संघों को साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाचार के लिए प्रविष्ट होकर क्रमश उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुँचे। उस समय मठ कुंडली उसी विपन्नावस्था में अपने घर के बरामदे में पड़ा हुआ था। भगवान ने यह जानकर कि मठ कुंडली मुझे देख नहीं पाया, उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव से उसकी तरफ एक प्रकाश किरण फेंकी। उस प्रकाश किरण को देखकर वह मानव यह प्रकाश किधर से आया यह सोचकर किसी तरह गर्दन घुमाकर देखने लगा तो उसे भगवान बुद्ध दिखाई दिए। देखकर उसने सोचा, धन मंदांध अंतव मूर्ख पिता के कारण मैं ऐसा महान बुद्ध की न तो अपने शरीर से ही कोई सेवा कर पाया, न उन्हें कोई दान ही कर पाया, न उनसे कोई धम्मोपदेश ही सुन पाया। अब तो मेरे हाथ पैर भी मेरे वश में नहीं रह गए, अब और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपने शुद्ध चित्त से ही इसकी प्रति श्रद्धा प्रकट कर दूँ। यह सोचकर उसने बुद्ध के प्रति स्वचित्त में श्रद्धा उत्पन्न की। शास्ता भी इस विपन्न स्थिति में मेरे प्रति श्रद्धा चित्तोत्पाद ही बहुत है यह सोचकर आगे चल दिए। वह मानवक भी तथागत की आंखों से ओझल दूर होते ही उनके प्रति श्रद्धालु हो देह त्याग कर स्वप्न से जागता हुआ सा देवलोक के 30 योजन लंबे कनक विमान में अवतरित हुआ।
वह ब्राह्मण भी इस मट्ठा कुंडली के शरीर का दाह कर्म कर स्मशान में बैठकर रोता रहा। वह प्रतिदिन स्मशान में जाकर यो विलाप करता था, ओ मेरे एकुलते पुत्र, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इधर वह देवपुत्र भी किस पुण्य कर्म के प्रभाव से पूर्ववत भूमि पर गिरकर रोने लगा। उस समय ब्राह्मण ने सोचा, तो मैं अपने पुत्र शोक में रो रहा हूँ, परंतु यो क्यों रो रहा है, यह इससे पूछना चाहिए। ब्राह्मण ने उससे इस गाथा के माध्यम से पूछा, मट्ठा कुंडली, तुम तो बस सब तरफ सुवर्ण भूषणों से अलंकृत हो, अम्लान मालाधारी हो, तुम्हारे समग्र शरीर पर हरिचंदन का लेप है, यह सभी उपकरण तो सुख के परिचायक है, फिर तुम इस वन में अकेले बाह पकड़कर दुखी मन से करुण हृदय क्रंदन क्यों कर रहे हो। मानवक ने कहा, मुझे यह सुवर्ण निर्मित सब तरफ से चमक दमक वाला एक रथ मिला है, परंतु इसके चक्र नहीं है, अंत इसमें से कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। इस दुख से मैं रो रहा हूँ और अपने जीवन का अंत कर लेना चाहता हूँ। तब उससे ब्राह्मण ने कहा, भद्र मानवक, जैसा तुम कहो, सोने का, चांदी का, मणि रत्नों का, मूंगी का, जिस धातु या रत्न किसी का भी चक्रव्यूह पहियों का जोड़ा तुम्हारे लिए बनवा दूँ। यह सुनकर मानवक बोला, यह ब्राह्मण वास्तविक पुत्र के रोग की साधारण चिकित्सा भी नहीं कर सका। आज पुत्र की प्रतिकृति के रूप में मुझको देखकर रुदन करता हुआ रथ के सोने चांदी के बने चक्के पहिए देने की बात कर रहा है। अच्छा ठहरो, मैं अभी इसी के उत्तर से इसको मिथ्याभाषी बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर बोला, आप कितने बड़े रथ के पहिए बनवा देंगे? जितने बड़े तुम कहोगे उतने ही बड़े बनवा दूंगा। ऐसा कहे जाने पर मानवक ने कहा, मुझे चंद्रमा एवं सूर्य जितने बड़े रथ के पहिए चाहिए। उस मानवक ने उससे कहा, मुझे आकाश में दिखाई पड़े जाने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान रथ चक्र चाहिए, उन्हीं से मेरे सुवर्ण निर्मित रथ की शोभा बढ़ेगी। तब उस मानव से ब्राह्मण ने कहा, मानव, तुम तो मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, क्योंकि तुम असंभव को पाने की इच्छा कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा मरण काल समीप आ गया है, क्या तुम चांद और सूर्य प्राप्त कर पाओगे? तब मानव ने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया, क्या स्पष्ट दिखाई देने वाले की प्राप्ति हेतु रोना मूर्खता है, या न दिखाई देने वाले की प्राप्ति के लिए रोना? यह कहकर उसने फिर कहा, मुझे तो दोनों प्रकार के मार्गों, चंद्रमा सूर्य के गमन एवं आगमन का ज्ञान है, उन दोनों के रूप रंग का भी ज्ञान है, परंतु तुम तो उस प्रेत मृत के लिए जो काल का ग्रास बन चुका है और जो उसी रूप में यहाँ फिर कभी नहीं दिखाई देगा, करुण क्रंदन कर रहे हो, बोलो हम दोनों में कौन मूर्ख है? यह उत्तर सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, यह मानवक उचित ही कह रहा है, हम दोनों विलाप करने वालों में मैं ही अतिशय मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं उस मृतक के लिए जो काल का ग्रास बन चुका है, अंत उसका लौट कर आना असंभव है, रो रहा हो, जैसे कोई शिशु चंद्रमा को पाने के लिए रोया करता है, यह इसी तरह से है। यह कहकर पुनः कहा, मैं शोक रूपी से वही से अत्यधिक जल रहा था, जैसे घी पड़ी हुई अग्नि दहका करती है, इस मानवक ने मेरी शोक वही पर उचित वचन रूप जल डालकर उसे सर्वथा शांत कर दिया। तुमने मेरे हृदय में फंसे काटे शल्य को निकालकर बाहर कर दिया, मुझ शोकमग्न को पुत्र शोक से मुक्त कर दिया। अब मेरे हृदय से चुभा हुआ काटा निकल चुका है, अब मैं शांत हूँ, शोक से दूर हो चुका हूँ। अब मेरे लिए कोई शोक का विषय नहीं है कि जिसके लिए मैं रोऊं हूँ। तेरी बात सुनकर मान लेने का ही यह फल है। फिर वह ब्राह्मण उस मानव से आप कौन है पूछता हुआ बोला, आप कोई देवता है या कोई गंधर्व या स्वयं देवराज इंद्र है? आप कौन है और किसके पुत्र है, ये मुझे स्पष्ट बताइए। तब मानव ने कहा,
जिसके लिए तुम कलप रहे थे, तड़प रहे थे, जिसके लिए तुम रो रहे थे, जिसको तुम स्वयं स्मशान में जलाकर आए हो, वही मैं अब कुशल कर्म कर देवताओं की मित्रता साथ में रहना प्राप्त कर चुका हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, हमने तो आपको अपने घर में रहते हुए न कभी कोई थोड़ा या बहुत दान करते देखा, न वैसे कोई उपोषित कर्म ही करते देखा कि जिसके सहारे से आपको ऐसा उच्च पद मिल जाता, तो आप किस पुण्य कर्म के सहारे देवलोक तक पहुँचे? मानवक ने बताया। अब यहाँ से अच्छी स्टोरी शुरू होती है जो आपके लिए निश्चित ही प्रेरणादायी साबित हो। मानवक क्या कहता है, जब मैं अपने घर में पांडुरोग से ग्रस्त था, अंतएव अस्वस्थ था, दुखी था, रोगी था, पीड़ा से व्यतीत था, उस विपन्नावस्था में मैंने दोष रहित वासना शून्य एवं श्रेष्ठ प्रज्ञा वाले भगवान सुगत बुद्ध का दर्शन किया था। उस समय मैंने प्रसन्न श्रद्धालु एवं हर्षयुक्त चित्त से उन भगवान को मन ही मन प्रणाम किया था। केवल उसी एक कुशल कर्म के सहारे से देवताओं के साथ मैत्रीपूर्ण वास कर पाया हूँ। देखो, कभी किसी आदमी ने जीवन भर न कहीं पुण्य किया हो, लेकिन ये मठ्ठ कुंडली कहता है, मैंने एक ही बार जब मैं रोगी अवस्था में था तो एक ही बार भगवान बुद्ध को देखा और देखने के पश्चात मुझे देवलोक प्राप्त हुआ, तावतीस देवलोक प्राप्त हुआ। ऐसा आपने भी भगवान बुद्ध अब तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हम भगवान बुद्ध को अपने धम्म से, भगवान बुद्ध हम धम्म के बल पे हम देख सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि मुझे यदि देखना हो तो आप मुझे धम्म में देखो, यदि आप धम्म का अनुसरण करेंगे तो स्वयं बुद्ध का प्रतिपालन करोगे, त्रिपिटक का प्रतिपालन करोगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मं करेव कल्याणं, धम्म आदमी का कल्याण करता है, धम्म आदमी को लोक नहीं लोकोत्तर अवस्था तक पहुँचाता है। आगे वह मानव कहता है, उस मानव ने ऐसा कहते ही ब्राह्मण का समग्र शरीर प्रीति एवं प्रमोद से परिपूर्ण हो गया। वह उस प्रीति से संपन्न होकर बोला, आश्चर्य है और यह बात अद्भुत सी लगती है कि केवल मन ही मन हाथ जोड़ने का इतना बड़ा परिणाम कि मनुष्य देवताओं को संसर्ग प्राप्त कर ले तो मैं भी प्रमोदित मन से एवं श्रद्धालु चित्त से आज ही उन भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ। तब मानव ने उससे कहा, ब्राह्मण तुम आज से ही बुद्ध की शरण में पहुँच जाओ तथा श्रद्धा चित्त होकर धर्म एवं संघ की आराधना करो, माने त्रिरत्न की आराधना करो, तथा पांचों शिक्षा पदों का भी अखंड अछिद्र रूप से पालन करो। तत्काल ही सब प्रकार की हिंसा छोड़ो, चोरी छोड़ो, सर्वथा चोरी कर्म से छूट जाओ, न मद्यपान करो, न असत्य भाषण करो, न व्यभिचार में डूबो, अपितु अपनी धम्म पत्नी से ही संतुष्ट रहो। यह सुनकर ब्राह्मण उस देवता से बोला, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। फिर उसने ये गाथा कही, भो देवते भो यक्ष, आप मेरे लिए सार्थक बात कह रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, मैं आपके आदेश वचन का पालन करूँगा, आज से आप ही मेरे आचार्य हैं, मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं भगवान बुद्ध के धम्म की शरण जाता हूँ, मैं भगवान बुद्ध के संग की माने त्रिरत्न की शरण जाता हूँ, मैं आज से प्राणातिपात छोड़ दूंगा, प्राणातिपात से विरत रहूँगा, सब प्रकार के चौर्य कर्म को छोड़ता हूँ, न मद्यपान करूँगा, न असत्य बोलूँगा, न व्यभिचार करूँगा, अपितु अपनी धम्म पत्नी से ही संतुष्ट रहूँगा। तब वह देवपुत्र, ब्राह्मण तेरे घर में बहुत धन है, तू शास्ता के पास जाकर उन्हें दान कर उनका धम्मोपदेश सुन, उनसे धम्म विषयक प्रश्न पूछ। वह कहकर वही अंतर्हित हो गया, माने अंतर्धान हुआ। ब्राह्मण का त्रिशरण गमन। तब मानवक के कहने पर ब्राह्मण ने त्रिशरण गमन किया। तब वह ब्राह्मण अपने घर जाकर अपनी धम्म पत्नी को बुलाकर कहने लगा, भद्रे आज मैं श्रमण गौतम को निमंत्रित कर प्रश्न पूछूंगा, उनका आदर सत्कार सम्मान करूंगा। यह कहकर महाविहार में जाकर शास्ता को प्रणाम किए बिना ही, कोई स्वागत सत्कार की बात किए बिना ही,
एक तरफ बैठ गया और बोला, भो गौतम, आज का भोजन का आप भिक्षु संघ सहित मेरे यहाँ स्वीकार करें। शास्ता ने स्वीकृति दी। उसने शास्ता की स्वीकृति जानकर पुनः शीघ्र ही अपने घर आकर वहाँ स्वादु एवं रुचिकर भोज्य पदार्थ तैयार कराए। उचित समय पर भगवान भिक्षु संघ के साथ उस ब्राह्मण के घर पहुँचने के बाद आसन पर विराजे ब्राह्मण ने भिक्षु संघ को सत्कार पूर्वक भोजन परोसा। इसी डिस्टर्ब हुआ था, एक फोन आया था। तब भगवान के भोजन क्रिया से निवृत्त होने के बाद ब्राह्मण ने उनके पास पहुंचकर एक नीचे आसन पर बैठकर उनसे प्रश्न किया, भो गौतम, क्या कोई आपको दान न देकर भी, आपका सत्कार पूजा न करके भी, आपका धम्मोपदेश न सुनकर भी, उपोषत न करके भी, आपके प्रति मानसिक श्रद्धोत्पाद मात्र से स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है? भगवान ने कहा, भगवान का यह उत्तर आप सुनिए, निश्चित ही आपको प्रेरणा दे सकता है। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, यह सब क्यों पूछ रहे हो? अवश्य ही तुमको तुम्हारे पुत्र मठ कुंडली ने मुझ में मानसिक श्रद्धा मात्र से हुई उसकी स्वर्गोत्पत्ति की बात बता दी है। यह कैसे भोगो तुम? जब तुम आज श्मशान जाकर रोदन एवं विलाप कर रहे थे, तब एक स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत मालाधारी हरिचंदन का लेप किए हुए देवपुत्र मठ कुंडली तुमसे बताकर रहे थे। यो उन दोनों में हुए प्रश्न उत्तरों को सुनाते हुए समस्त मठ कुंडली कथा भगवान ने कह डाली। इसीलिए ऐसे प्रकरणों को बुद्ध भाषित कहा जाता है। उक्त कथा सुनाकर भगवान ने कहा, यहाँ 100 या 200 की बात नहीं, यहाँ तो मुझ में मानसिक श्रद्धा उत्पन्न कर स्वर्ग में जाकर देवत्व प्राप्त करने वाले की गणना ही नहीं की जा सकती, वह अगणित है। इस संवाद पर वह उपस्थित जनता एकमत न हो पाई। तब भगवान ने जनता को उस मठ कुंडली की स्वर्ग में उत्पत्ति की बात पर एकमत होना न देखकर मठ कुंडली देवपुत्र अपने विमान के साथ ही यह आवे ऐसा अधिष्ठान सत्य संकल्प किया। वह देवपुत्र अपने 3 गव्यती लंबे दिव्य आभूषण से भूषित वह शरीर वह आकर विमान से उतरकर भगवान को प्रणाम कर एक तरफ खड़ा हो गया। तब भगवान ने उस देवपुत्र को पूछा, क्यों जी, तुमने क्या कर्म करके यह श्री संपत्ति प्राप्त की है? भो देवते, तुम जिस तेजोमय रूप से सभी दिशाओं को उसी तरह प्रसन्न करते हुए ऐसे जैसे चंद्रमा औषधियों को प्रसन्न करता है, यह खड़े हो महानुभव देव, इस तेजोमय रूप की प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि में रहते हुए कौन सा पुण्य कर्म किया था? देवपुत्र ने कहा, भंते, यह रूप संपत्ति मैंने आप में स्वचित्त की श्रद्धा उत्पन्न करके प्राप्त की है। मुझ में मानसिक श्रद्धा उत्पन्न कर, हा भंते, वह उपस्थित सभ्य समाज देवपुत्र को सशरीर देखकर बुद्ध के लोकोत्तर गुण आश्चर्यमय है कि यह अदिन्न पुब्बक ब्राह्मण का पुत्र अन्य कोई पुण्य न कर केवल शास्त्र में मानसिक श्रद्धा उत्पन्न कर ऐसी अपूर्व रूप संपत्ति प्राप्त कर पाया। यो वह उपस्थित जनसमाज ने भगवान की उस लीला पर पूर्ण संतोष और विश्वास प्रकट किया। निष्कर्ष क्या है? तब भगवान ने वह उपस्थित सभ्य समाज को बताया कि कुशल एवं अकुशल कर्मों के निष्पादन में मन की भावना ही प्रधान होती है, अर्थात उस निष्पादन प्रक्रिया में वह आगे आगे चलती है। कार्य के निष्पादन हेतुभूत धर्मों में मन ही श्रेष्ठ है। श्रद्धापूर्ण मन से किया गया कर्म देवलोक या मनुष्यलोक में जाते हुए पुरुष का उसकी छाया की तरह अनुगमन करता है। यह कथा कहते हुए एवं कथा का वर्तमान गाथा से संबंध जोड़ते हुए प्रतिष्ठापित मातृका की उपयोगिता का राजमुद्रा की अंकित
करते हुए धर्मराज भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही। गाथा क्या है? मनोपुब्बा गम्मा धम्मा मनोसिठा मनोमया मनस्साचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा तत्त्वनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। इसका अर्थ क्या है? भगवान क्या कहते हैं? मनुष्य की सभी प्रवृत्तियाँ, चित्त प्रवृत्तियाँ एवं चेष्टाओं के आरंभ मन में ही उत्पन्न होते हैं। मन ही पूर्वगामी होता है। मन उन कार्यों की उत्पादक धर्मों का प्रधान है। अंतवे धर्म ही मन श्रेष्ठ कहलाते हैं। एवं जैसे मिट्टी से बने सभी पात्र मृणमय कहलाते हैं तथा दारू के बने पात्र सब दारुमय कहलाते हैं, उसी तरह इन धम्मों का मन से निष्पाद होने के कारण ये सभी मनोमय कहलाते हैं। मनुष्य अपने अलोभ आदि अलोभ अद्वेष अमोह इत्यादि गुणों से श्रद्धा संपन्न मन से जो कुछ भी बोलता है या वाक कर्म करता है, चार वाक कर्म होते हैं वह करता है, तीन कार्य काय कर्म होते हैं, काय से किए जाने वाले तीन काय कर्म होते हैं और चार मनोकर्म होते हैं, तीन मनोकर्म होते हैं, इन दसों कुशल कर्मों से उत्पन्न सुख उसी तरह अनुगमन पीछा करता है जैसे निरंतर साथ रहने वाली मनुष्य की छाया उसका पीछा करती है। वहाँ यह मन शब्द साधारण सभी चतुर्भूमिक चित्तों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, परंतु वर्तमान प्रसंग में नियमित व्यवस्थापित विभक्ति अष्टविद कामावचार कुशल चित्त के रूप में गृहित है। अथच विशेष सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सौमनस्य सहगत ज्ञान संप्रयुक्त चित्त का ही ग्रहण है। पुब्बंगम्मा प्रथम गामी हुए उस चित्त से समन्वागत धम्म वेदना संज्ञा संस्कार ये तीन स्कंद उत्पाद प्रत्येक वश में सौमनस्य संप्रयुक्त मन इनका पूर्वगामी होता है। जैसे बहुत से भले आदमी एकत्र होकर विशाल भिक्षु संघ को चिवरदान तथा उनकी आतिथ्य पूजा, उनसे धम्म श्रवण या इनका माला गंध आदि से सत्कार करना आदि पुण्य कर्म करते हैं, तो वहाँ यदि वह प्रश्न उठ खड़ा हो कि इनमें प्रधान कौन है, तब इसका उत्तर यही होता है कि इस पुण्य कर्म का जो हेतु है, जिसके कहने से जिसके निर्देश से लोग इस कर्म को प्रवृत्त हुए हैं, फिर भले ही वह पुण्य पुष्य हो या तिष्य, वही उनका पूर्वंगम माने प्रधान कहलाता है। इसी तरह की स्थिति इस प्रसंग में भी समझ लेनी चाहिए। अंत उत्पाद प्रत्ययवशात मन है पूर्वगामी जिनका है मनोपुब्बगम धम्मा कहलाता है। वे धम्म मन के उत्पन्न हो ही नहीं सकते, अपितु इनमें से कुछ चेतसिक धम्मों के उत्पन्न न होने पर भी मन तो उत्पन्न होता ही रहता है। इसी तरह आधिपति प्रत्यय के कारण जिन धम्मों का मन श्रेष्ठ अधिपति है वे धम्म मनोसिट्ठ कहलाते हैं। तथा जैसे सुवर्ण आदि धातुओं से बने पात्र उन्हें धातुओं के नाम से सुवर्णमय पात्र आदि कहलाते हैं, उसी तरह वेदनादि धर्म को मनोमय कहलाते हैं। प्रसन्नेन माने अनविद्या लोभ रहितता आदि गुणों से स्वच्छ प्रसन्न, भासति वा करोति वा इसका मतलब ऐसे गुणों से युक्त मन से बोलता हुआ पुरुष वाक सुचरित ही बोलता है, काय सुचरित बोलता है, मन सुचरित बोलता है, तथा बोलते हुए न शारीरिक चेष्टाएं करते हुए भी प्रसन्न मन रहता हुआ त्रिविध मन सुचरित ही करता है। यो इस सत्पुरुष साधक को दस कुशल कर्मपद पूर्ण होते रहते हैं। तत्त्वणं सुखमन्वेति उस त्रिविध सुचरित उन त्रिविध सुचरितों की पूर्ति से उस पुरुष को सुख अधिगत होता है। इस प्रकारण में त्रैभूमिक कुशल अभिप्रेत है। अंत इन त्रैभूमिक सुचरितों के प्रताप से स्वर्ग आदि में जन्मे हुए पुरुष को या किसी कारण नरक आदि में पहुँचे हुए पुरुष को इन सुचरितों के प्रभाव से वहाँ भी सुखानुभव प्रदान करने वाले स्थान में भी उसको आवास मिलता है तथा वह काया के कारण वाले या अन्य कारण वाले या निष्कारण विकायिक एवं चेतसिक सुख विपाक की अधिगत करता है। उससे वह किसी भी दशा में दूर नहीं होता, यही निकृष्ट अर्थ है। और साथ ही क्या अधिगत होता है?
छाया व अनपायनी। जैसे मनुष्य की छाया शरीर के साथ लगी हुई रहती है, शरीर के साथ साथ ही चलते समय चलती है, बैठते हुए बैठती है, खड़े रहते हुए खड़ी रहती है, उसे किसी भी तरह मृदु या कठोर वचन बोलकर दूर नहीं हटाया जा सकता या मार पीट कर अपने से पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह शरीर के साथ संपृक्त माने प्रतिबद्ध है। इसी तरह इन उपर्युक्त 10 कुशल कर्मों से प्राप्त, इनके सहारे से एकत्र किया हुआ कामावचार आदि रूपावचार अरूपावचार भेद से विविध कायिक तथा चेतसिक तथा मानसिक और वाचसिक उसकी छाया की तरह उसके साथ लगा रहता है। भले ही वह कहीं भी जावे वह छाया आती ही है। गाथा का उपदेश समाप्त होते ही 84,000 प्राणियों को धर्माभि समय माने धम्म संवेग अधिगत हो गया। मठ कुंडली देवपुत्र तथा उसका पिता आदिन्न पुब्बक ब्राह्मण दोनों ही श्रोता आपत्ति माने श्रोतापत्ति या शोत फल प्राप्ति में प्रतिष्ठित हो गए। आगे चलकर उसने अपने शेष जीवन में अपना बहुत सा अर्जित धन बुद्ध शासन की सेवा में लगाया। यह मठ कुंडली की कथा समाप्त हो गई। सुबह हमने चक्षुपाल स्थविर की कथा देखी, रात में हम मठ कुंडली की कथा देखी। मठ कुंडली का पिता बड़ा कंजूस था, अपने बेटे की न सेवा करता था न वह रोगी होने के बाद उसे संभालता था, लेकिन जब रोगी अवस्था में बुद्ध को उसने देखा तो स्वर्गलोक सिधार गया और फिर बाद में पिता को भी भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार उसे अभिधम्म संवेग का लाभ हुआ, धम्म संवेग हुआ और फिर पिता भी और उसकी पत्नी भी सभी धम्म संवेग से माने पिता ही न बल्कि 84,000 पीपल एट द बुद्धा पीरियड टाइम वहाँ पे धम्म संवेग से प्रतिष्ठित हुए, शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित हुए। इसी तरह यह धम्मपद की अट्ठकथा सुनना इसीलिए आवश्यक है कि जिस तरह भगवान बुद्ध के काल में भगवान बुद्ध जैसे उपदेश देते थे, उपदेश अनंतर उपदेशोपरांत माने उपदेश खत्म होने के बाद अनेक लोग धर्माभिलाभी होते थे, श्रोतापन्न सकादागमी अनागमी अनंत बनते थे। इसी तरह हमें भी कुछ न कुछ चुल्ल श्रोतापन्न की डुबकी लगे या ये भी नहीं तो शील समाधि प्रज्ञा में हम प्रतिष्ठित हो, इसीलिए हम इसका धम्मपद की अट्ठकथा का नियमित रूप से सुबह शाम श्रवण करते रहे, स्मरण करते रहे। इसी आशा के साथ सबके प्रति मैं मंगलमयति करता हूँ। भवतो सब मंगलं सब्बे सत्ता सुखी हो मंगल हो कल्याण हो। गणेश बोर्डे जी, संतोष मंत्री, अरुण साळवे, बाबा साहेब किल्लारे, संदीप साबळे, सुधाकर मोहनराव निकालजे, अच्छी बात है सभी लोग आप इस धम्म प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। भंते धम्म बोधि जी भी है, अच्छी बात है। मनोज बाहुले, सूरज जी ने, सुरेश दाभाड़े, माया खरात, साधु साधु साधु, अच्छी बात है। सभी ने इसका श्रवणी और स्मरण भी करना चाहिए। मैं आप सभी के लिए इस धम्मपद की अट्ठकथा इसीलिए बता रहा हूँ कि इसका मेरे लिए भी कुछ उपयोग हो और आपके लिए भी हित में और सुख में साबित हो, इसीलिए मैं इस धम्मपद का रीडिंग कर रहा हूँ जो आपके समझने में और फिर धम्म में प्रतिष्ठित होने में आपको मददगार साबित हो।